अलवर नगर परिषद में पिछले 15 साल से भाजपा का कब्जा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। अलवर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र सिंह के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद सभी पार्षद प्रत्याशियों को गुप्त स्थान पर ले जाया गया। बैठक में तय किया गया कि कुछ बड़े नेताओं को अलवर छोड़ा जाए, बाकी नेताओं व उम्मीदवारों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाए। बाड़ाबंदी के सवाल पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस बाड़ाबंदी पर विश्वास नहीं करती, कार्यकर्ता चुनाव में थके हुए हैं, इसीलिए उनकी थकान उतारने के लिए बाहर भेजा गया है। हमारी आज सभी जो प्रत्याशी थे उन सबों से हमारी मुलाकात हुई है, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ है। जो जो चुनाव के अंदर बातें हुई थी, चुनाव के अंदर सबों के अंदर बहुत बड़ी खुशी थी कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है, इसके ऊपर चर्चा हुई है। बाकी अब आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो सभी पार्षदों से पूछकर और आगे तय करा जाएगा। अभी सारे फार्म वार्म भरे जा रहे हैं काउंटिंग एजेंट्स के, उसके वो सब कार्रवाई चल रही है। क्या कह रहा है कि कितनी सीटें हैं? मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। नगर परिषद का सभापति कौन होगा ये तो पार्षद तय करने वाले हैं, कोई ऊपर से किसी को थोपा नहीं जाएगा। जो भी इनकी भावनाएं हैं हमारे माननीय पार्षदों की, वो तय करेंगे। बाड़ाबंदी नहीं होती है, हम सब चाह रहे हैं लोग कि हम सब एक दूसरे के साथ रहें, मिलें, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो, एक 2-4 दिन थकान भी दूर हो। ये अभी ये सब खुद ही मिलके तय कर रहे हैं सारी बात। नहीं, सब लोग एकजुट हैं और अच्छा माहौल है, अच्छा जो रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे प्रत्याशियों का, वो मेजोरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। आज उसी संबंध में चर्चा की है, कल के काउंटिंग एजेंट बनाने की वो सारी बातें की गई हैं और हम बोर्ड बनाएंगे। कितने पार्षद जीत के आ रहे हैं आप? हमें देखो, मेजोरिटी तो हमारी आ ही रही है, अच्छी मेजोरिटी के साथ हमारे पार्षद जीत के आ रहे हैं। कुछ निर्दलीय भी संपर्क में है? निर्दलीय भी संपर्क में है और निर्दलीय अगर साथ आएंगे तो उनको निश्चित तौर पर विकास में भागीदार बनेंगे और नगर परिषद में राजस्थान सरकार मिलके शहर के अंदर और उनके वार्डों के अंदर काम कराएंगे। बीजेपी कह रही है सरकार खरीद फरोख्त करेगी कांग्रेस, तो बताएं तो सही, खरीद फरोख्त काम इनका है, आज पूरा देश जानता है। ये एमपी एमएलए को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तो पार्षदों की बात है। हमारे तो हमने सिर्फ हमारे जो पार्टी के पार्षद हैं वो ही लोग यहाँ पे आए हैं, उन्हीं की मीटिंग है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। और निर्दलीय भी अगर बिना शर्त कोई समर्थन देता है तो निश्चित तौर पर उनका सहयोग हम लेंगे। अभी कहाँ ले जाने का प्लान है? नहीं, अभी कहीं नहीं, अभी तो सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठो तो कोई को हमारे इनको तो बैठो तो आपको मंत्री जी को तो बैठो तो हमारा ये बात है ना, हमारे ये भी जरूर मैडम जाओ।